तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रणवीर बरार। गर्म पानी में कभी भी अंडे डालें तो ऐसे चम्मच से उसको पानी में बैठा लें। इधर हमारा 6 मिनट का अंडा भी हो गया, ये भी इसका भी ध्यान रखना है भाई, 6 मिनट का अंडा। दूसरा, कभी भी अंडे उबालें तो साथ में चिल्ड वाटर रेडी रखें, एकदम से ठंडे पानी में डालेंगे, उसको थोड़ी देर ठंडे पानी में छोड़ेंगे तो जल्दी पी लूँगा। ठीक है जी, इसको डाल दिया उसी पानी में और इसको लगा दिया ढक्कन, तो उस पानी का इस्तेमाल हो गया, अंडा हमारा स्टीम हो जाएगा जी। चलो रेडी, कॉलिंग एंड एक्शन। ये है जी फुल बॉइल्ड एग, इसको लिया ठीक है, और उसके बाद ये देखिए, एज इजी एज दिस। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि सिरके से तुरंत तुरंत अंडे की सफेदी जो है वो पक गई और उसने अंडा छोड़ दिया। ठीक है, ये 9 मिनट वाला नहीं है, 6 मिनट वाला है। इसमें थोड़ा डेलिकेटली, बिकॉज ये ऑलरेडी हाफ बॉइल्ड है, इसका एग योक अंदर से सॉफ्ट, थोड़ा मैंने इसको ब्रीद करने दिया जस्ट फॉर सेफ्टी। ठीक है, अभी बड़े प्यार से, क्योंकि ये थोड़ा नाजुक मामला है, और सॉफ्ट बॉइल्ड जो कॉडल्ड एग जिसको हम बोलते हैं वो हम ऐसे सर्व करते हैं। हार्ड बॉइल्ड एग, अंडे को स्लाइस करने का बेस्ट तरीका है कि एक पतली सी तार लें, एज पे रखें, तार या धागा भी ले सकते हैं आप। ये है हमारा 6 मिनट का अंडा, 3 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट। अभी आप अगर ये अंडा देखेंगे तो साइड से कुछ भी ये काला नहीं हुआ है, देखिए नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने तुरंत उसको शॉक कर दिया। अगर आप उसको गर्म बाहर रहने देंगे, धीरे 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 वो सल्फर का जो रिंग है, कालक जो योक के किनारे आ जाती है, वो आती रहेगी, वो अवॉइड करें, तुरंत उसको शॉक कर दें। एक बार देखें ज़रा, स्टीम्ड एग वाइट भी रेडी है। चाहे बॉइल्ड एग हो चाहे स्टीम्ड एग हो, उसको शॉक करना ज़रूरी है, यानी कि उसको फ्रिज में थोड़ी देर डाल दीजिए। उससे क्या होता है, शॉक करने से एकदम से श्रिंक हो जाता है एल्ब्यूमिन, एग वाइट जो है एकदम से श्रिंक होता है और तुरंत बोल को या फिर पील को छोड़ देता है। ये रहा हमारा स्टीम्ड एग वाइट, इसके ऊपर थोड़ा मैं डाल देता हूँ मस्टर्ड, ढक देता हूँ पूरा, और इसके साथ में जो भी सलाद आप देना चाहें वो सलाद दे सकते हैं, वेजीज, सैलड, लेटस, टोमेटोज, जो आप सोचते हैं सही है वो सही है, वट एवर यू थिंक इज राइट इज राइट। खाने के रूल हमने ही बनाए, इंसानों ने, हम ही तोड़ सकते हैं। भाई नेवर नेवर एवर वेस्ट एग योक। तो मैंने कहा जाते जाते आपको एक फटाफट सी रेसिपी दिखा देता हूँ। एग योक्स में डाला सॉल्ट, ये डाली मस्टर्ड, मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, और बगैर अंडे वाला मेयोनेज भी सिखा दूंगा, फिलहाल आज अंडे वाला मेयोनेज सिखा देता हूँ। धीरे 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 अंडा खपाया, बस तेल धीरे धीरे गिराना है, और ये समझ लीजिए कि एक एग योक की 100 ml तेल पीने की क्षमता होती है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो 80 ml, नहीं तो 100 ml। धीरे धीरे तेल गिराते रहिए, और धीरे धीरे नहीं, तेज तेज हाथ चलाते रहिए, और जब हाथ चलाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में हाथ चलाना है। देखिए ये देखिए, वी आर नॉट स्टॉपिंग, वी जस्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ये देखिए ऑलमोस्ट डन, थोड़ा तो आप इसको रखेंगे ना तो और ढलेगा,
ये देखिए कितना तेल पी गया, चार अंडे इतना तेल पी गया। अभी मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं अंदाजे में चल रहा हूँ, आप अंदाजे में मत चलिए। 80 ml के हिसाब से मेजर कर लीजिए और उसके बाद देखना ये है, ये देखिए अभी क्या देखना है कि ये ऐसे इसमें शेप अपनी पकड़ रहा है कि नहीं। देखिए अभी पकड़ रहा है ना, शेप पकड़ रहा है, मतलब मेयोनेज रेडी है। ये देखिए मैक्सिमम 1 tablespoon ऑयल और जाएगा इसके अंदर, ये कंसिस्टेंसी समझ लीजिए। इट्स होल्डिंग इट्स शेप, ये देखिए रिबन बन रहे हैं ना, इट्स होल्डिंग इट्स शेप। अभी 1 tablespoon की गुंजाइश है बस, 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट। तो भैया अंडे का फंडा यहाँ समाप्त होता है। ये मेयोनेज की कंसिस्टेंसी देखिए, ये मेयोनेज की धार देखिए, और उसी एग योक का कमाल देखिए जो हमने बोतल से निकाला था और हम फेंकने वाले थे। बस लालच नहीं करना, कंसिस्टेंसी जब आ जाए तो मैक्सिमम 1 tablespoon ऑयल और डालना है। लालच के चक्कर में तेल अलग हो जाता है, अंडा अलग हो जाता है, पूरी की हुई मेहनत बेकार हो जाती है, आपका सारा पसीना वेस्ट हो जाता है। अब इसके ऊपर एक अर्ब और थोड़ी ब्लैक पेपर डाल देता हूँ, थोड़ा कुछ तो चाहिए ना, ये काली मिर्च। तो जी एक अंडा, मैनी फंडा है, मजा आया। छोटी छोटी चीज़ें बड़ा फर्क डालती हैं, लेकिन ये कोई सनसनी खेज चीज़ नहीं है, बेसिक्स हैं जिनके पीछे साइंस है। अब जैसे एग योक में लेसेथिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि इमल्सिफायर है, नेचुरल इमल्सिफायर है, वो सारा तेल जो है वो इमल्सिफाई करके पी लेता है। इट्स प्योर साइंस, इट इज़ नॉट मैजिक। एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटीन है, जब उसको एसिड या फिर उसको हीट मिलती है तो वो जम जाता है, उसके बाद चाहे उसको स्टीम कर लें, फ्राई कर लें, बेक कर लें, पोच कर लें, बॉयल कर लें, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। बेसिक्स और साइंस ये खाने को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और ये आपकी कुकिंग को मजबूत बनाते हैं। अगर आप जादू और वो टिप्स और वो ट्रिक्स ढूंढते रहेंगे ना तो बेसिक्स स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। अच्छा शेफ बनना है तो बेसिक्स स्ट्रांग करिए और उसके लिए साइंस समझना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।